पर नरसिंहपुर से, जहां ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि महिला अपने पति के साथ सोमनाथ रीवा एक्सप्रेस से वडोदरा से शंकरगढ़ जा रही थी और तभी महिला को तेज प्रसव पीड़ा हुई, जिसकी सूचना टीसी को दी गई तो ट्रेन को नरसिंहपुर स्टेशन पर लगभग एक घंटे तक रोका गया और रेलवे के डॉक्टरों की मदद से ट्रेन में ही सफल प्रसव कराया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस से प्रसूता और नवजात को जिला अस्पताल लाया गया, जहां बच्चे को चाइल्ड केयर यूनिट में रखा गया है जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है। नरसिंहपुर में टीटीआरई ने फोन किया बड़े बाबू को जी, क्या फिर वहाँ पुलिस आई एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस बुला के आना, तो फिर डिलीवरी हो गई ट्रेन में ही हो गई थी। ट्रेन में हो गया। अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ पर अस्पताल लाए नरसिंहपुर। हाँ, बच्चे की अच्छी है, बच्चा नॉर्मल है, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है, बाकी बच्चे की एक्टिविटी बहुत बढ़िया है और बच्चा दूध भी अच्छे से पी रहा है, बस हमने नॉर्मल वैक्सीनेशन वगैरह करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना है और माँ को थोड़ा सा बताना है कि बच्चे को कैसे रखना है, क्योंकि सफर में हुआ है तो थोड़े इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें बच्चे को सिर्फ थोड़ी सी केयर से रखने की जरूरत है। छतरपुर के नौगांव